पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं। हर घर में जाते हैं, हर दुकान पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि जी आपके छज्जा में प्रॉब्लम है, आपकी सीढ़ी में प्रॉब्लम है, आपने फाटक बड़ी कर रखी है, आपकी शटर का साइज ठीक नहीं है, और बताते हैं जी पैसे दो अन्यथा अपनी दुकान के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। हमने कई बार कहा इस बात को, हमारे विधायक, हमारे सभी लोग दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। मनीष जी ने भी इस पे पत्र लिखकर सभी विधायकों से कहा कि आप लगातार जनता के बीच में रहें। भारतीय जनता पार्टी तब से कह रही जी सबूत बताओ, सबूत बताओ, सबूत बताओ, सबूत कहाँ है आपके पास, कहाँ सबूत है कि हमने ऐसा कहा। साथियों, आज हम आपके बीच में सबूत लेके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से दिल्ली वालों के साथ उगाही कर रहे हैं। कल कल्याणपुरी मार्केट में लगभग 200 मार्केट हैं, उन 200 मार्केट के ऊपर 5-7 मार्केट के दुकानों के ऊपर कल बुलडोजर चला। वहां पे पैसे की उगाही के लिए बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी, जब दुकानदार वालों ने पैसे देने से मना कर दिया, वहां के मार्केट एसोसिएशन ने पैसे देने से मना कर दिया, तो कल लगभग 8 दुकानों के ऊपर बुलडोजर चला के दुकानों को तोड़ दिया गया। पूरी मार्केट एसोसिएशन ने ये विधिवत कंप्लेन पुलिस में लिखवाई है, और ये कंप्लेन में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से एमसीडी के लोग, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दुकान पे घूम घूम के जा रहे हैं। 200 दुकानें हैं, पर दुकान 10,000 रुपये महीने बोला है, और बोला है कि 20,00,000 रुपये इस दुकान से पार्टी हेडक्वार्टर को पहुंचवाना है। भारतीय जनता पार्टी को 20,00,000 रुपये पर महीने इस मार्केट से चाहिए। 200 दुकानें हैं, हर दुकान से 10,000 रुपये की उगाही का टारगेट रखा गया है। दुर्गेश भाई ने बताया आप लोगों को कि किस प्रकार से बीजेपी का गुंडा राज और कहें कि रिश्वतखोरी का राज पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है। पूरी दिल्ली में किस प्रकार से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बार बार हम ये बात कह रहे हैं, उनसे उगाही की जा रही है। लेकिन कल जब ये मामला खुद मेरी विधानसभा क्षेत्र कल्याणपुरी वार्ड के अंदर ये आया देखने के लिए कि लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास का समय था, और वहाँ एक व्यक्ति जो पिछले 10-15 दिन भी 1 महीने से उन लोगों को परेशान कर रहा है, दुकान से पैसे मांग रहा है, और कल्याणपुरी मार्केट में आप देखेंगे तो जगह 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 ठिए लगे हुए पूरी मार्केट में, आगे तक 200-300 के आसपास ठिए हैं, उनसे हर ठिए से 10,000 रुपये की उगाही करने की बात की जा रही थी, मांगी जा रही थी, उन लोगों ने मना किया। वो गरीब लोग हैं, अपना घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, लेकिन नहीं माने तो उनके चालान काटे गए, चालान पे जब बात नहीं बनी तो दोबारा वो धमकी देके गए, और जब धमकी से बात नहीं बनी तो कल पूरे अमले के साथ आकर उनकी दुकानों को, ये देखिए उनकी दुकानों को जो पिछले 30-30 साल से थी, उनकी दुकानों को तहस नहस करने का काम उस बुलडोजर ने किया, और उन गरीब आदमी की दुकान पे वो बुलडोजर उड़ाता हुआ और उनके सपनों को निकलता हुआ चला गया आगे। इस प्रकार की गुंडागर्दी पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है, और खुद वहां पर भाजपा के नेता खड़े हुए थे और वो बता रहे थे बुलडोजर किधर चलाना है, किसने पैसे दिए अधिकारी को, किसने नहीं दिए, ये भी बता रहे थे। तो आज जिस तरह का माहौल पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है, मुझे लगता है पूरे 15 साल की जो उगाही इन लोगों ने धीरे धीरे करी है, अब अंतिम समय में ये लोग लूट का एक तंत्र चला रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर चला रहे हैं, और उन लोगों को प्रताड़ित किया गया, और लोग बहुत परेशान हैं, उनका घर, रोजी रोटी, परिवार उन दुकान से चलता है। अगर इस तरह की गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे तो उन्हें हर मोर्चे पे हम खड़े दिखाई देंगे। जब उन लोगों ने मुझे जानकारी दी तो मैं तुरंत प्रभाव में वहां पहुंचा और बुलडोजर वहां से उनकी 10-15 दुकानों को तोड़ के वापस चला गया, और फिर धमकी देके गया कि हम कुछ दिनों बाद और आएंगे वरना पैसे इकट्ठे कर लो, पैसे भिजवा दो। तो ये क्या लूटतंत्र दिल्ली के अंदर चल रहा है, कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हर आदमी को तुम्हारा छज्जा बाहर है, तुम्हारा जीना बाहर है, तुम्हारी दुकान का बांस बाहर निकला हुआ है, तुम्हारी रेडी बाहर खड़ी हुई है, उसके नाम पे लोगों से उगाही की जा रही है। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।